हेलो बच्चों, तो यार सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने दिए। अभी लास्ट मोमेंट है, एंड ऑफ दस लाइन आप लोगों ने देखा होगा। ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी कॉलेजेस थे, चाहे वो आईआईटी जो, एनआईटी जो, जीएफटीआई हो, प्राइवेट हो, 9 नवंबर से सब जगह क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट जगह जो एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। अभी भी 45% ऐसे स्टूडेंट हैं जिस प्रकार से माले कॉल्स आ रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हुए हैं। चाहे वो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो बीएससी हो, चाहे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे अदर कोर्सेज हो, लेकिन उनको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करना फिर से स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं बहुत सारे कॉलेजों के अंदर। तो एक तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो है आप लोग, ये 15 दिन की मेहनत है, 15 दिन आप लोगों को जहां भी जाना पड़े, लेकिन हाँ जहां भी जाना पड़े, चाहे वो असम हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, जरूर से जाइए। ठीक है, आपके 2 दिन के ट्रेन की मेहनत शायद आपको 4 साल में रंग ला सकती है और बहुत अच्छा रंग ला सकती है गाइस। तो इसलिए 2 दिन की मेहनत जरूर करें, लगातार जी जान लगा दो अपनी। अब कुछ बात करेंगे कुछ अच्छे ऑप्शंस की, स्पेशली सीयूईटी वाले बच्चों के लिए, या फिर जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया, जेई वाले बच्चों के लिए भी क्या सारे ऑप्शंस है। जीएफटीआई कॉलेजेस जितने भी है उन लोगों ने अपने स्पोर्ट राउंड ओपन काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। एंड कुछ कॉलेजेस के, मेजर कॉलेजों की मैं बात करूंगा, एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके स्टिल 15 दिन तक प्रोसेस और चलने वाला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में यूजी का क्लोज हो चुका है, पीजी का 11 को जो है आप लोगों को पता होगा। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जस्ट लाइक विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इफ्लू का आपने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी भी कंडक्ट हुआ था, आप लोगों को पता होगा। फिर भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जीएफटीआई कॉलेजेस के अंदर सीटें वैकेंट रहती है, तो जो है वो लोग आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी यार फार्मा की जो कॉलेजेज है वहाँ पे सीटें वैकेंट है बी फार्मा कोर्सेज के लिए। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन लेना है बी फार्मा कॉलेजों में, वो जो है नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है या फिर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वहाँ पे जो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही बीटेक के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। अभी आपको सीएससी तो काफ़ी कम चांसेज है, लेकिन आईटी, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल एंड काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इसके साथ ही कुछ ऑलमोस्ट जीएफटीआई जैसे जीजीयू बिलासपुर के अंदर जोसा वाले बच्चों को मौका मिल रहा है, जेक दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन ओपन है अभी, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजों में ऑफलाइन चल रहा है अभी, ठीक है, स्पेशल राउंड आप इसको बांध सकते हो, स्पोर्ट राउंड 2.0 चल रहा है, आप लोग जो है अभी वो मौका है कि आप डायरेक्ट जो है कॉलेज के HOD से बात कर सकते हो, ठीक है, अभी जो है एडमिशन की प्रक्रिया वो क्लोज कर दी जाती है, आप डायरेक्ट जो है HOD से कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे एप्लीकेशन फायर करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। हालांकि NIT एंड जो है IIT कॉलेजों में एडमिशन बंद कर दिए गए, वहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, एंड स्पेशली कुछ जो है IIIT वगैरह में उनके पोर्टल पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे स्पोर्ट राउंड के लिए ओपन काउंसलिंग या फिर स्पेशल राउंड जहाँ पे आपको कुछ 200-300 रुपए चार्ज लेके अप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं। यार हो सकता है ये जो है CUET का लास्ट वीडियो होगा, एंड वीडियो होगा, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जो है जो भी स्टूडेंट ऐसा है जो कि फ्यूचर में स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता है रिगार्डिंग द एडमिशन इन CUET एंड अदर, तो जो है वो यहाँ पे आके वीडियोस बना सकता है इस चैनल पे, दिस इज ओपन फॉर ऑल, तो जरूर मोस्ट वेलकम एट फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, तो जिसका भी कोई भी इंटरेस्ट हो जरूर से आप लोग आ सकते हैं, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, एंड इन फ्यूचर में आप लोगों के सामने अब नहीं रहने वाला हूँ। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट, थैंक यू फॉर योर जस्ट लाइक इतना प्यार देने के लिए। एंड अब कुछ मैं आपको बता देता हूँ कुछ अच्छे कॉलेजों के बारे में, अगर मैं बताऊँ तो यार राजस्थान में कुछ कॉलेजेस होते हैं उनके लिए रीप काउंसलिंग कंडक्ट होती है, लेकिन वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। कुछ कॉलेजों में कुछ सीटें आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन उसके लिए आपको उनके HOD से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। पंजाब के अंदर 2-3 कॉलेजेस जो काफ़ी अच्छे होते हैं, एक IIT गुजराल है, MRSPTU है, उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, जोसा वाला नहीं, एक अदर है जिसको जेक चंडीगढ़ के अंदर आता है, तो वहाँ पे भी जो है ऑलमोस्ट आप लोग सारे HOD से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हालांकि MRSPTU वगैरह में आई थिंक 11 तारीख तक ओपन किया गया था अप्लीकेशन, ठीक है, आज आई थिंक 12 हो चुका। उसके बाद आप जो है दिल्ली के, स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बी फार्मा करना चाहते हैं या फिर BSc वगैरह वाले बच्चे, काफ़ी सारे कॉलेजों में सीटें वैकेंट है, वो नीचे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, हम आपकी कॉल में हमेशा हेल्प करते हैं। जिन भी बच्चों के कॉल उठाए नहीं जाते वो दोबारा फिर से ट्राई करिए, 1 घंटे में 2 घंटे में फिर से ट्राई करिए, हम आपको कभी मना नहीं करते, आप अनलिमिटेड कॉल करो, ठीक है, हमारा फ्री प्लान करा के रखा है हमने, ठीक है, जस्ट लाइक
28 दिन का फ्री रहता है, वो भी अनलिमिटेड, कितने ही कॉल करो, ठीक है। तो वो सारा सीन है, वो भी जियो का। एंड यार और मैं कॉलेजेज आपको बताऊं तो यूपी के अंदर काफी कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग सीयूईटी वाली वेबसाइट देख रहे हो, वहां पे आपको जैसे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऊपर ही ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो वो तो आप लोगों से बात ही नहीं करेंगे। आप लोग जब उनको कॉल लगाओगे तो वो बोलेंगे पता नहीं, आप यूट्यूब पे देख लो, ठीक है, ये बोलते हैं वो, आप यूट्यूब पे देख लो। मतलब यूट्यूब ने जिम्मा ले रखा है, यूट्यूबर्स ने, मतलब हमारे जैसे लोगों ने जिम्मा ले रखा है कि तुम क्या कर रहे हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों ने। उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है, सारा जो है वो यूट्यूबर्स करे, ठीक है। उनको कोई बस छोड़ दे, हम लोगों ने सब कुछ बस यूट्यूब वाले हैं, वो कर देंगे एडमिशन उनका कंप्लीट, ठीक है। मतलब काउंसलिंग भी अगले साल में उनको मेल डाल देता हूँ कि भैया हमें दे दो, हम आपका कंडक्ट कर देंगे सारा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको यार स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज क्या होते हैं ना, उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। आप उनको कॉल करते हो तो आपको बता देते हैं कि सीटें हैं कि नहीं है। हालांकि आपको HOD वगैरह का भी कॉन्टैक्ट मिल जाता है, जिस जो भी आपका डिपार्टमेंट है, चाहे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका बी फार्मा हो, चाहे आपका फार्मेसी हो, चाहे आपका फाइकोलॉजिकल हो, आप लोग उसके डिपार्टमेंट को कॉल करिए कि सर आई एम जस्ट लाइक दिस स्टूडेंट, और क्या आपके पास सीट मिलेगी। तो अगर उनके पास सीट होती है तो आपको बोल देते हैं कि आप जो है वेबसाइट में पोर्टल पर अप्लाई कर दो, और फिर वो डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। और यार आज से 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुद कॉल करती थी। आज से 3 साल पहले मेरे को खुद कॉल आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से कि हमारे पास सीटें वैकेंट है, क्या आपको एडमिशन लेना है। मैंने कहा नहीं लेना, ठीक है। मतलब खुद कॉल करते थे, सच था ये। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए जो है मतलब उनका क्या बोलते हैं, उनमें थोड़ी अकड़ आ गई है कॉलेजों वाले में, ठीक है। तो वो वाला सीन है, एंड अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब घबराने की जरूरत है भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जिन्होंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन यार काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं एडमिशन का। लेकिन आपको जो है किसी भी करियर काउंसलर, ठीक है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करो या ना करो, या फिर किसी और से एडमिशन कंसल्टेंट से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर ले, लेकिन हाँ मतलब कम प्राइजेज में। ऐसा नहीं कि आपको 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपये दिए जा रहे हो, लास्ट में वो आपको बोले कि भैया एडमिशन तो नहीं मिलेगा और पैसे भी चले जाएं, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा ना करो बिल्कुल भी। स्पेशली जो यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हो हमारी तरह रिगार्डिंग द कॉलेजेज, एंड थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। गूगल से उठाई हुई वेबसाइट में आप बिल्कुल भी अंदाजा ना लगाए, ठीक है। मतलब अगर कोई मेरे को 2,000-3,000 पे भी कर रहा है तो उसको आइडिया तो है ना भाई, रोज रोज बंदा कैमरे पर सामने दिख तो रहा है, मतलब जिंदा तो है। लेकिन मतलब जब मैं काउंसलिंग वगैरह करवाता था तो हमें यूट्यूब वगैरह पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी हमारे टाइम पे, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी गूगल से। और जब जो मतलब गूगल पे जो फोन नंबर होता था वो मतलब जस्ट लाइक लास्ट में ऐसा पता चलता था कि उसका किसी कॉलेज से, किसी काउंसलिंग से उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, बस उसको हम पैसे पे किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के साथ यार ऐसा होता है, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और ये टाइम जो ऐसा मोमेंट है कि इस टाइम पे आप सभी को सारे के सारे लोग लूटने में लगे हुए हैं कि बस जो आ रहा है वो ले लो, ठीक है। मतलब जस्ट लाइक ये बहुत क्रूशियस टाइम है, और आप लोगों को भी ऐसा रहता है क्योंकि आप लोगों को अभी भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे कि इस कॉलेज में 3 सीट है, क्या आपको सीट चाहिए, तो आप 10,000 रुपये पे कर दीजिए। आप अगर आपने 3 घंटे में पे नहीं किया तो मैं किसी दूसरे को सीट दे दूंगा, यार ऐसा होता है। लेकिन इस ऐसी कंडीशन आप लोगों के पास अगर हो तो आप एक भी पैसा बिल्कुल पे ना करें। ऐसा बहुत सारे फ्रॉड देखने को मिलते हैं, हमारे साथ भी होता है। बहुत सारे बच्चे कॉल्स करते हैं कि भैया हमने पैसे पे कर दिए और अभी कॉल बंद आ रहा है, या फिर अगर हम कॉल करते हैं तो हमें गालियां दी जा रही है। तो यार ऐसा स्कैम होता है, स्पेशली झारखंड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जामतारा वगैरह से, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जैसे लाइक वहाँ से होता होगा या नहीं, या लेकिन होता जरूर है, ऐसा बहुत सारा स्कैम होता है। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में ऑफलाइन ओपन काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए, और शायद ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। तो यार आप लोगों के प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शायद मैं वीडियो आगे ना बनाऊं, तो जो भी लोग इस पे वीडियो बनाना चाहते हैं वो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मिलियंस में ले जा सकते हैं, जिसकी जो भी मर्जी हो, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।